हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चीज कॉर्न टिक्की। यूजुअली जो चीज कॉर्न बॉल्स होती है उसमें कॉर्नफ्लावर मैदा होता है और वो डीप फ्राइड होती है, उसकी जगह मैंने यहाँ पे आलू यूज करके इनकी तवे पे टिक्की बनाई है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 बॉइल्ड आलू। इनको उबाल कर छील कर हम अच्छे से मैश कर लेंगे और मैं इनमें थोड़े से वेजिटेबल्स भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ बॉयल स्वीट कॉर्न। जो स्वीट कॉर्न के दाने हैं उनको थोड़े से पानी में अलग से उबाल लिया था। एक शिमला मिर्च बारीक काट के और एक गाजर को मैंने चॉपर से एकदम बारीक काटा है। आप अगर चॉपर ना हो तो आप ग्रेटर से इसे कसकर डालिए। साथ में हम डालेंगे 2 से 3 चीज़ के क्यूब्स कसकर, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट कंटेंट थोड़ा होता है। नमक थोड़ा कम डालिएगा, काली मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा ओरिगेनो और मेरे पास यहाँ पे मिक्स पिज़्ज़ा हर्ब्स है तो मैं थोड़ा सा वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ये सभी चीज़ों को डाल के हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मैश करना है, और अगर आलू के कुछ लम्ब्स रह गए तो उसे भी मैश कर दीजिए। फिर हम इनके अपने हाथों से छोटे टिक्की बनाएंगे। 6 आलू के यहाँ पे करीब ये 20 टिक्की है। छोटे छोटे गोल बॉल्स करके हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए। अब इन्हें लपेटने के लिए, कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ और एक नॉनस्टिक पैन यहाँ पे गरम किया है जिसपे थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सूजी या रवा में भी लपेट सकते हैं, या आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही इसे तवे पे डायरेक्ट भी आप सेक सकते हैं। दोनों साइड इसका गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे और इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसे आप किसी भी पार्टी में डिनर या लंच के पहले एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, या शाम के टाइम इसे स्नैक के जैसे भी सर्व किया जा सकता है।